नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समशूल होदा यानी कि SH बिहारी की। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, क्षेत्र चाहे जो हो बिहारियों का बोलबाला अक्सर देखने को मिल जाता है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे एक ऐसे प्रतिभा की जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बिहारियों का मान बढ़ाने का काम किया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समशूल होदा बिहारी की। समशूल होदा बिहारी का जन्म 1922 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। समशूल होदा बिहारी बिहार के और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। समशूल ने साल 1960 के दशक में संगीतकार ओपी नैयर के साथ जुड़कर रातों की चोरी चोरी, बोले मोरा कंगना, आज कोई प्यार से दिल की बात कह गया, मैं तो आगे बढ़ गया पीछे जमाना रह गया, मेरी जान तुम पे सड़के एहसान, इसके साथ ही इतना कर दो जैसे सदाबहार गीत गाए हैं, जो आज भी लोगों के जहन में एक अलग जगह बनाए हुए है। समशूल होदा बिहारी ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि उर्दू में भी काफी रचनाएं की हैं। अब बात समशूल होदा बिहारी के प्रारंभिक जीवन की। समशूल की पढ़ाई कोलकाता में हुई थी, जहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में BA की डिग्री हासिल की थी। वहां उन्होंने बंगाली भी सीखी थी और पहले से ही हिंदी और उर्दू का ज्ञान तो उन्हें था ही। हालांकि जानकारों की माने तो समशूल को फुटबॉल खेलने में भी काफी ज्यादा उनका शौक था। यही कारण है कि उनके फुटबॉल में रुचि को देखते हुए ही उनका चयन मोहन बगान टीम में भी किया गया था। हालांकि उन्हें गाने का शौक शुरू से ही था। यही कारण है कि SH बिहारी ने साल 1947 यानी कि आजादी के समय ही मुंबई जाने का फैसला लिया था, जहां उनके भाई भी रहते थे। हालांकि मुंबई का सफर उनका आसान नहीं रहा, काफी मशक्कत के बाद उन्हें मुंबई में काम करने का मौका मिला। SH बिहारी भले ही सीधे साधे से दिखने वाले थे, उनमें कई ऐसे गुण थे जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान दिलाते थे, लेकिन SH बिहारी की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, लेकिन ना ही यह गीत लोगों की जुबान पर चढ़ सका और ना ही किसी की नजर में। लेकिन इसी साल आई फिल्म निर्दोष और इसके बाद बेदर्दी खूबसूरत, निशान डंका और 1953 में रंगीला में भी इन्होंने इक्का दुक्का गीत लिखे जो लोगों की जुबान पर छाने में नाकाम रहे। 1954 में आई फिल्म शर्त, जिसका निर्माण शशिधर मुखर्जी ने किया था, इसमें संगीत हेमंत हमार के थे और गीत SH बिहारी और राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था। ये चांद सा रोशन चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, जैसे दर्जनों अमर गीतों के अमर गीतकार SH बिहारी भारतीय फिल्म जगत के गीतकारों की फहरिस्त का एक प्रमुख नाम है। इन्होंने दर्जनों जीवन के सच को बयां करने वाली गीतों को लिखा। अपने गीतों के माध्यम से आम आदमी और उसके दर्द को शिद्दत के साथ बयां किया। SH बिहारी का जिक्र होते ही मृदुभाषी, मिलनसार और हसमुख व्यक्तित्व हमारे जहन में उभर आता है। मुंबई में रह रहे आरा निवासी लेखक अभिनेता घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि वे रोमांटिक गीत लिखते थे, उनके गीतों में चांद अक्सर रहता था। 70 के दशक में जब एंग्री हीरो का दौर आया तो वे समझौता नहीं कर पाए, इनका मेहनताना भी कम मिलता था। जिस प्रकार शकील, बंदायूनी, शैलेंद्र समेत अन्य गीतकारों को सम्मान मिला, वैसा सम्मान SH बिहारी को नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे। SH बिहारी की कहानी सुनकर आज भी गला रुंध सा जाता है। एक बार की बात है कि टोटके के दौर में किसी ने उनसे बाजू पर तावीज बांधने को कहा था। जानकार बताते हैं कि SH बिहारी ने अपनी सफलता के लिए ही उस तावीज को अपने हाथों में बांधा था, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। वही एक समय था जब SH बिहारी ने अपने चांदी की तावीज को बेचकर खाना खरीदा था और अपनी भूख मिटाई थी। हालांकि SH बिहारी ने अपनी आखिरी सांस में भी आर्थिक संकट का सामना किया था। भले ही आज उनके गाने सबके जुबान पर हो, मगर एक ऐसा दौर भी था जब आर्थिक संकट का सामना उन्हें करना पड़ा था। ये वही दौर था जब उनकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। फिर क्या था, 25 फरवरी 1987 की अमर गीतों को लिखने वाला हाथ और दिमाग हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया था। हम आशा करते हैं कि SH बिहारी को जो सम्मान बिहार में मिलना चाहिए उन्हें जरूर मिले। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार SH बिहारी कौन सा गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है, अपने जवाब में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।